चैप्टर फोर उपसर्ग प्रत्यय प्रेफिक्स सफिक्स शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं, रुद्र और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्द की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग से अति प्लस अंत बराबर अत्यंत, अति उपसर्ग अंत मूल शब्द या धातु, अत्यंत यौगिक शब्द। प्रत्यय से लेन प्लस दार बराबर लेन दार, लेन मूल शब्द, दार प्रत्यय, लेनदार यौगिक शब्द। समास से प्रति प्लस दिन प्रतिदिन शब्द, दिन शब्द प्रतिदिन यौगिक शब्द। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे स्व जोड़ तंत्र जोड़ ता स्वतंत्रता, स्व उपसर्ग तंत्र मूल शब्द ता प्रत्यय। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझ प्लस दार प्लस ई समझदारी, समझ मूल शब्द दार प्रत्यय ई प्रत्यय उपसर्ग प्रेफिक्सेस। उपसर्ग उप समीप प्लस सर्ग सृष्टि करने का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र प्लस हार जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जाने से आहार भोजन, सम जोड़ने से सहार विनाश तथा वी जोड़ने से विहार घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपर्युक्त उदाहरण में प्र आ सम और वी का अलग अलग में कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, संस्कृत के उपसर्ग संख्या 22, हिंदी के उपसर्ग संख्या 13, उर्दू और फारसी के उपसर्ग संख्या 19, अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव, संस्कृत के उपसर्ग उपसर्ग अर्थ शब्द, अति अधिक शब्द, अत्यधिक अत्यंत अतिरिक्त अतिशय, अधि ऊपर श्रेष्ठ अधिकार अधिपति अधिनायक, अनु पीछे समान शब्द, अनुचर अनुकरण अनुसार अनुशासन। उपसर्ग अप अर्थ बुरा या हीन शब्द, अपयश अपमान अपकार, अभी अर्थ सामने चारों ओर पास शब्द, अभियान अभिषेक अभिनय अभिमुख, अब हीन या नीच शब्द, अवगुण अवनति अवतार अवतरण, आ तक समेत आजीवन आगमन आरक्षण आक्रमण, उत ऊंचा श्रेष्ठ ऊपर उत्कर्ष उत्तम उत्पत्ति, उद अर्थ ऊपर उत्कर्ष शब्द, उद्गम उद्भव। उपसर्ग दूर अधिक बुरा कठिन शब्द, दुष्चरित्र दुस्साहस दुष्कर, संस्कृत के उपसर्ग उपसर्ग, निर अर्थ बिना बाहर निषेध शब्द, निरपराध निर्जन निराकार निर्गुण। उपसर्ग निस अर्थ रहित पूरा विपरीत शब्द, निसार निस्तार निश्चल निश्चित, नि उपसर्ग अर्थ निषेध अधिकता नीचे शब्द, निवारण निपात नियोग निषेध। उपसर्ग परा अर्थ उल्टा पीछे शब्द, पराजय परंभव परामर्श परकर्म, परि उपसर्ग अर्थ आसपास चारों तरफ शब्द, परिजन परिक्रम परिपूर्ण परिमाण। पुरा उपसर्ग अर्थ अधिक आगे शब्द, प्रख्यात प्रबल प्रस्थान प्रकृति। उपसर्ग प्रति शब्द प्रतिकूल प्रत्यक्ष प्रतीक्षण प्रत्येक अर्थ उल्टा सामने हर एक। वी उपसर्ग
भिन्न विशेष अर्थ विदेश विलाप वियोग विपक्ष शब्द। उपसर्ग सम अर्थ उत्तम साथ पूर्ण शब्द संस्कार संगम संतुष्ट संभव। उपसर्ग सु अर्थ अच्छा अधिक शब्द सुजन सुगम सुशिक्षित सुपात्र। हिंदी का उपसर्ग उपसर्ग अ अभाव अर्थ अभाव निषेध शब्द अछूता अथा अटल। उपसर्ग अन अर्थ अभाव निषेध शब्द अनमोल अनबन अनपर। उपसर्ग क अर्थ बुरा ही शब्द कपूत चकचोट। उपसर्ग कु अर्थ बुरा शब्द कुचाल कुचीला कुचक्र। उपसर्ग दु अर्थ कम बुरा शब्द दुबला दुलारा दुधारू। उपसर्ग नी अर्थ कमी शब्द निगोरा निडर निहत्था निकम्मा। उपसर्ग औ औ अर्थ हीन निषेध शब्द अवगुण अवधर अवसर अवसान। उपसर्ग भर अर्थ पूरा शब्द भरपेट भरपूर भरसक भरमार। उपसर्ग सु अर्थ अच्छा शब्द सुडौल सुजान सुधर सुफल। उपसर्ग उन अर्थ एक कम शब्द 29 39 59 69। उपसर्ग पर अर्थ दूसरा बाद का शब्द परलोक परोपकार परसर्ग परहित। उपसर्ग बिन अर्थ बिना निषेध शब्द बिन व्याह बिन बादल बिन पाए बिन जाने। अरबी फारसी के उपसर्ग उपसर्ग अल निश्चित अर्थ शब्द अलबत्ता अलगरज। कम अर्थ थोड़ा हीन शब्द कमजोर कमबख्त कम अकल। खुश अच्छा खुशनसीब खुशखबरी खुशहाल खुशबू। उपसर्ग गैर अर्थ निषेध शब्द गैर हाजिर गैर कानूनी गैर मुल्क गैर जिम्मेदार। उपसर्ग दर अर्थ में दरअसल दर हकीकत। उपसर्ग न अर्थ अभाव शब्द नापसंद नासमझ नाराज नलायक। उपसर्ग फील फी अर्थ में प्रति शब्द फिलहाल फी आदमी। उपसर्ग ब अर्थ और अनुसार शब्द बनाम बदौलत बदस्तूर बगैर। उपसर्ग बा अर्थ सहित शब्द बाकायदा बाइज्जत बादब बामौका। उपसर्ग बद अर्थ बुरा शब्द बदमाश बदनाम बदकिस्मत बदबू। उपसर्ग बर अर्थ ऊपर पर बाहर शब्द बर्दाश्त बर्खास्त। उपसर्ग बे अर्थ बिना शब्द बेईमान बेइज्जत बेचारा बेवकूफ। उपसर्ग बिल अर्थ के साथ शब्द बिल आखिर बिल्कुल बिल वजह। उपसर्ग बिल्ला अर्थ बिना शब्द बिला वजह बिलासक। उपसर्ग ला अर्थ रहित शब्द लापरवाह लाचार लावारिस लाजवाब। उपसर्ग सर अर्थ मुख्य शब्द सरताज सरदार सरपंच सरकार। उपसर्ग हम अर्थ समान साथ वाला शब्द हमदर्दी हमरा हम उम्र हमदम। उपसर्ग हर अर्थ प्रत्येक शब्द हर दिन हर साल हर एक हर बार। अंग्रेजी का उपसर्ग उपसर्ग सब डिप्टी अर्थ अधीन नीचे सहायक शब्द सब जज सब कमेटी सब इंस्पेक्टर डिप्टी कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार डिप्टी मिनिस्टर। वाइस अर्थ सहायक शब्द वाइसराय वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट। उपसर्ग जनरल अर्थ प्रधान जनरल मैनेजर जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग चीफ अर्थ प्रमुख चीफ मिनिस्टर चीफ इंजीनियर चीफ सेक्रेटरी। उपसर्ग हेड अर्थ मुख्य शब्द हेडमास्टर हेड क्लर्क। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अधर अर्थ नीचे शब्द अधपतन अधोगपति अधोमुखी अधोलिखित। उपसर्ग अंत अर्थ भीतरी शब्द अंतकरण अंतपुर अंतमन अंतर्देशीय। अर्थ अभाव शब्द अशोक अकाल अनिति
उपसर्ग चिर, अर्थ बहुत देर। शब्द चिरंजीवी, चिर कुमार, चिरकाल, चिरायु। उपसर्ग पुनर, अर्थ फिर। शब्द पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। उपसर्ग बहिर, अर्थ बाहर। शब्द बहिर्गमन, बहिर्जगत। उपसर्ग सत्य, अर्थ सच्चा। शब्द सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्य कार्य। उपसर्ग पूरा, अर्थ पुरातन। शब्द पुरातत्व, पुरावृत्त। उपसर्ग सम, अर्थ समान। शब्द समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। उपसर्ग स, अर्थ साथ। शब्द सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। प्रत्यय सफिक्स, प्रत्यय बराबर प्रति, साथ में पर, बाद में प्लस अय। चलने वाला शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जोड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, तो यहाँ आलू शब्द दांश प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दो तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस अंक, लेखक। यहाँ अंक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदम शब्द है। ये प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा स्वनाम विशेषण व अव्यय में जोड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितान्त शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी सेठानी, यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितान्त शब्द है। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं जबकि तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। हिंदी के प्रायः सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय प्राइमरी सफिक्सेस प्रत्यय अक्कर मूल शब्द धातु धूम पी बुझ भूल। उदाहरण घुमक्कर, पियक्कर, बुझक्कर, भुलक्कर। प्रत्यय अंत या अंतो मूल शब्द भीर रट उर घूम। उदाहरण भीरांत, रटांत, उरांत, घुमतु। आ मूल शब्द घे छाप ठेल झूल। उदाहरण घेरा छापा ठेला झूला। प्रत्यय आई मूल शब्द छा धो पर सी। उदाहरण छवाई धुलाई पढ़ाई सिलाई। प्रत्यय आऊ मूल शब्द टिक बिक। उदाहरण टिकाऊ बिकाऊ। प्रत्यय आक आका आकू अंकु मूल शब्द तैर उर लर लर। उदाहरण तैराक उराका लड़ाकू लड़कू। प्रत्यय आन मूल शब्द चर ढल धस भस। उदाहरण चढ़ान ढलान धसान भसान। प्रत्यय आप आपा मूल शब्द भेल पूजा। उदाहरण मिलाप पूजा पा। प्रत्यय आव आवा मूल शब्द घूम चून दब बह छल बर। उदाहरण घुमाव चुनाव दबाव बहाव छलावा बढ़ावा। आवट मूल शब्द थक रोक लिख सजा। उदाहरण थकावट रुकावट लिखावट सजावट। प्रत्यय आवट मूल शब्द आवन मूल शब्द मनभा सूहा डरा। उदाहरण मन भावन सुहावन डरावन। आवना अनी लुभा चेता लुभावना चेतावनी। आहट घबराना चिकना चिल्ला जगमग। उदाहरण घबराहट चिकनाहट चिल्लाहट जगमाहट। ईयल अर मर सर सूट बूल हस टाक फास परक। चिल्लाहट जगमाहट अरियल मरियल सरियल छुट्टी बोली हसी टाकी फांसी परखी। मूल शब्द इया घट जर धुन बर भोज। उदाहरण घटिया जरिया धुनिया बुढ़िया भुजिया। मूल शब्द उहा टहल तर टहल तर पर टहलुआ तरुआ परहुआ। उप्रत्यय मूल शब्द कमा खा चाल रट। उदाहरण कमाऊ खाऊ चालू रटू। प्रत्यय एरा मूल शब्द बस लोट
उदाहरण बसेरा लुटेरा मूल शब्द एत फेक लर फेकैत लड़ैत प्रत्यय ए मूल शब्द काट बचा बाट रच उदाहरण कटैया बचैया बटैया रचैया प्रत्यय एल मूल शब्द बिगड़ रख बिगड़ैल रखैल प्रत्यय ओर ओरा मूल शब्द चाट हस उदाहरण चटोर हसोर चटोरा हसोरा प्रत्यय ओता औती मूल शब्द समझा चून मान उदाहरण समझौता चुनौती मुनौती प्रत्यय औना औनी मूल शब्द खेल घिना ठहरा पहर उदाहरण खिलौना घिनौना ठहरावनी पहरावनी प्रत्यय अवल मूल शब्द फोर बुझ मना मिच उदाहरण फुराओल बुझाओल मनाओल मिचाओल प्रत्यय क की मूल शब्द उठ बैठ डूब फिर उदाहरण उठक बैठक डुबकी फिरकी प्रत्यय त ता ती मूल शब्द खप बच रंग पर लिख घट बर उदाहरण उठक बैठक डुबकी फिरकी खपत बचत रगत पढ़ता लिखता घटती बढ़ती प्रत्यय न नानी मूल शब्द खा जमा धरक लगा छान नाप काट चाट छाट सुंग उदाहरण खान जामन धरकन लगान छानना नापना कटना चटनी छटना सुगनी प्रत्यय वैध मूल शब्द खा खे खा रख उदाहरण खवैया खेवैया गवैया रखवैया प्रत्यय हा मूल शब्द काट उदाहरण कटहा हिंदी का तद्धित प्रत्यय नोमिनल सफिक्सेस प्रत्यय आ शब्द भूख प्यास खार प्यार करू बाबू बेटी मुट्ठी आप डाकू उदाहरण भूखा प्यासा खारा प्यारा करुआ बबुआ बिटिया मुठिया प्रत्यय आयद शब्द चीरा चिंता बेसरा उदाहरण चिरायद दिशायद सरायद प्रत्यय आई अच्छा खट्टा मीठा लाल अच्छाई खटाई मिठाई ललाई प्रत्यय आऊ शब्द घर पंडित उदाहरण घराऊ पंडिताऊ प्रत्यय आक शब्द चट तर भर सर कर उदाहरण चटाक तराक भराक सराक आका धम सन कराका धमाका सनाका प्रत्यय आटा शब्द खर फर उदाहरण खराटा फराटा प्रत्यय आन आनी शब्द ऊंचा चौड़ा लंबा देवर नौकर उदाहरण ऊंचान चौरान लंबान देवरानी नौकरानी प्रत्यय आयत अपना बहुत मूल शब्द उदाहरण अपनायत बहुतायत प्रत्यय आर आरा मूल शब्द दूध सोना घास भुट्टी उदाहरण दुधार सोनार घसियारा आरा पूजा भीख पुजारी भुखारी आलू झगड़ा लज्जा झगड़ालू लजालू आँख मोटा मुटाव आस खट्टा मीठा कटास मिठास आहट करवा गरम चिकन करवाहट गरमाहट चिकनाहट आहत भलमानस भलमानस सहात इन जोगी तेली माली जोगिन तेलिन मालिन इम रक्त स्वर्ण स्वर्ण रक्तिम स्वर्णिम स्वर्णिम इयल तोंद दारी तोंदियल दरियल इया आरत रसोई असाम कनौज अंग जांग कनौजिया अंगिया जांगिया आम खाट पुल बूंद आमिया खटिया पुलिया बूंदिया इवाली खुश हरा अंगूठा कंठ चंत अंगूठा अंगूठी कंठी चैती बिहारी लखनवी इला खर्च गोबर छवि जहर खर्चीला गोबीला छबीला नोक पत्थर पानी जहरीला नुकीला पथरीला उआ आगे गेर फाग मच शहर अगुआ गेरुआ फगुआ मछुआ सहरुआ उ गरज ढाल नाक पीठ गरजू ढलू नकु पेटू हितु पेट हित ए धीरा पीछा बदला धीरे पीछे बदले लिखे एरा अंध धन चचा फूफा अंधेरा घनेरा चचेरा फुफेरा एरी पूजा मांग गजा पुजेरी गजेरी भगेरी एला आधा मोर अंधेला मुरेला एलू घर घरेलू एत डका बरछा भाला डकायत बरछायत भलायत डकायत एल एला
खपरा गुसाक दूध मूछ, खपरायल गुसायल दूधायल मुछायल। प्रत्यय ओट ओटी, लिंग चाम, लंगोट चमोटा, ओला आम, खाट माझ साप, अमोला कटोला, मझोटा सपोला, ओटा काजा पाला बिल्ली, कजरावटा पहलावटा बिलावटा, आटी मुख हिरन कस चाम, मुखौटा हिरनौटा करसावटा, और हाथ हथौरा, औता काठ, कठौता क ठंड ढोल धर धम, ठंडक ढोलक धरक धमक, काकी एक चार छोटा बड़ा कौन लोटा, इक्का चौका छुटका बड़का कनकी लुटकी, टा काला चोर नंगा रोम, कलुटा चोटा लंगटा रोगटा, डा डारी भूख लंग चर्म टूर्ग, भूखर लंगर चमड़ा टुकड़ा, दुख पीछा बछ मुख, दुखरा पिछरा बछरा मुखरा, पन अपना गवार छोटा, अपनापन गवारपन छोटापन, पागल फुर्तीला बच्चा, पागलपन फुर्तीलापन, पा अपना बहिन बूढ़ा रार, अपनापा बहिनापा बूढ़ापा, री कोठा मोटा, कोठारी मोटारी, लाली ऊपर धुंध नीचे पीछे, उपराला धुंधला निचला पिछला, वंत वंती गुणधन बल रूप, गुणवंत हनुवंत बलवंत, बाल वाला केजरी धारी प्रयाग, कजरीवाल धारीवाल, वाह पाँच सात आठ नौ, पांचवा सातवा आठवा नौवा, वाह बच्चा बेटा लोटा, बचवा बेटवा लोटवा, सा आप तुम मुझ रोम, आपसा तुमसा मुझसा रोम राम सा। प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण कृत व तद्धित को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि में भी जुड़ते हैं। एरा लूट प्लस एरा लुटेरा, चाचा प्लस एरा तद्धित प्रत्यय चचेरा, आई पर प्लस आई कृत प्रत्यय पढ़ाई, भला प्लस आई तद्धित प्रत्यय भलाई, नी कतर प्लस नी कृत प्लस प्रत्यय कतरनी, ऊट प्लस नी तद्धित प्रत्यय उठनी। ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं। ऐतिहासिक या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, द्विदेश प्रत्यय। तत्सम प्रत्यय, प्रत्यय अर्थ उदाहरण आ, स्त्री प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, आदरणीय प्रिय माननीय सूता इच्छा पूजा, आनी स्त्री प्रत्यय, देवरानी भवानी मोहतारनी, आलो विशेषण प्रत्यय वाला, कृपालु दयालु श्रद्धालु निर्दालु, इत विशेषण प्रत्यय युक्त, पलवित पुष्पित फलित हर्षित, ईमा भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, गरिमा नीलिमा मधुरिमा महिमा, एक विशेषण व संज्ञा प्रत्यय, दैनिक वैज्ञानिक वैदिक लौकिक, क स्वाय समूह, घटक ठंडक शतक सप्तक, कार लिखने या बनाने वाला, पत्रकार जानकार, ज जन्मा हुआ, अंडज जलज ज पंकज पिंटज, देशज विदेशज, जीवी जीने वाला, परजीवी बुद्धिजीवी लघुजीवी दीर्घजीवी, जानने वाला अज्ञ मर्मज्ञ विज्ञ सर्वज्ञ, त क्रिया विशेषण प्रत्यय, अंशतः वस्तुतः स्वतः सामान्यतः, तया क्रिया विशेषण प्रत्यय, मुखत्या विशेषत्या समानत्या, तर तुलना बोधक प्रत्यय, उच्चतर निम्नतर सुंदरतर श्रेष्ठतर, स्वाधिकता बोधक प्रत्यय, सूक्ष्मतम निकृष्टतम महत्तम लघुत्तम, ता भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, नवीनता मधुरता सुंदरता, तो भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, कीर्तित्व ममत्व महत्व सतीत्व, मान विशेषण वाचक प्रत्यय, विद्यमान सेवमान बुद्धिमान, वान वाला गुणवान बुधनवान बलवान रूपवान, तद्भव प्रत्यय, प्रत्यय अंगर उदाहरण बतंगर, अंतु वाला रटंतु घुमंतु, अंत संज्ञा प्रत्यय, खपत पढ़त रंगत लिखत, आंध संज्ञा प्रत्यय, विषांत सरांध, आ भाववाचक संज्ञा, जोरा फोरा रगरा झगरा, आई भाववाचक प्रत्यय, कठिनाई बुराई सफाई, आउ वाला खाऊ टिकाऊ पंडिताऊ बिकाऊ, आप आपा भाववाचक प्रत्यय, मिलाप अपनापा पूजापा बुढ़ापा, आर आरा करने वाला, कुम्हार लोहार चमार घसियारा, आरी पुजारी खिलारी, आलू करने वाला झगड़ालू दयालु, आवट भाववाचक संज्ञा, कसावट बनावट लिखावट सजावट, आस इच्छावाचक प्रत्यय, झपास प्यास लिखास निकास, आहट भाववाचक प्रत्यय, गरा गराहट घबराहट चिल्लाहट, आहत भलमानस, इन स्त्री प्रत्यय, जुलाहीन ठकुराइन तेलिन पुजारीन, इया वाला
लघु ते कन्नौजिया पर्वती भजपुरिया बोधा की स्त्री प्रत्यय चुटिया चुचोहिया डिबिया ई वाला स्त्री प्रत्यय घमांडी लालची ऊनी सूती घोरी इला वाला चमकीला पथरीला शर्मीला हठीला एरा वाला कमे कसेरा चचेरा फुफेरा बहुतेरा और इलिंग वाचक पकौरा मुगौरा सेवरा रेवरी भतीजा भांजा आत्मजा प्रत्यय र स्वार्थिक चमरा चमरी बछरा लंगरा लोथरा तोता भाववाचक चाहत भीलत आहत खाट क्रमवाचक जाता सोता पन भाववाचक छोटपन बचपन बरप्पन पागलपन प्रत्यय ल लली विशेषण अपार्थक अंगल धुंधला निचला पिछला टिकली डिफली सुपली वाला कीर्तिवाचक विशेषण अपने वाला ऊपर वाला खाने वाला जाने वाला तांगे वाला लाल वाला देशज प्रत्यय प्रत्यय बोधक अर्थ उदाहरण अकर वाला घुमाकर पियाकर भुलाकर और आर्थिक अघर भूकर आक भाववाचक चटाक धराक धराका धमाका फटाक आटा भाववाचक खराटा फराटा इयल वाला अरियल दरियल सरियल विदेश या विदेशी प्रत्यय अरबी फारसी प्रत्यय प्रत्यय आ भाववाचक सफेदा खराबा आन भाववाचक विशेषक वाचक जुर्माना दस्ताना मर्दाना मस्ताना आनी संबंधवाचक जिस्मानी बर्फानी रूहानी इयत भाववाचक अंग्रेजियत असलियत अदमियत इंसानियत खैरियत कार करने वाला कष्टकार दस्तकार सलाहकार पेशकार खोर खाने वाला गमखोर घुसखोर रिश्वतखोर हरामखोर घर गिरी करने वाला कारीगर किमियागर बाजीगर जादूगरी गिरी कुलीगिरी बाबूगिरी गार करने वाला परहेजगार मददगार यादगार रोजगार गा स्थानवाचक ईदगाह चरगाह बंदरगाह गी भाववाचक गंदगी जिंदगी बंदगी चाची वाला देगजा बागीचा इलायची डोलची संदूकची बाबरची जात जादा जन्मा अहमद जद हरमजादा शहजादा शहजादी दान स्थितिवाचक इत्रदान कमलदान पिकदान दानी आधार गुंददानी चायदानी दार वाला ईमानदार करदार दुकानदार मालदार फौजदार नाक वाला खतरनाक खौफनाक दर्दनाक शर्मनाक चलबाज धोखेबाज मुकदमेबाज बान वाला दरबान बागबान मेजबान मंद वाला अकलमंद जरूरतमंद दौलतमंद साज वाला घोरी साज अंग्रेजी प्रत्यय प्रत्यय बोधक उदाहरण इज्म वाद कम्युनिज्म बुद्धिज्म सोशलिज्म मार्क्सिज्म इष्ट वादी कम्युनिस्ट बुद्धिस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट। तो दोस्तों हम लोग का ये 5 चैप्टर समाप्त हो गया उपसर्ग और प्रत्यय।